बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश हो कैसे होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक टॉपिक 2 इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स है। स्टार्ट रीडिंग। इन अवर होम्स वी टर्न ऑन द स्विच ऑफ लाइट अ बल्ब और टू रन अ फैन। हम अपने घरों में स्विच को ऑन करते हैं और बल्ब लाइट को और फैन को ऑन करते हैं। द सेम स्विच इज आल्सो यूज टू टर्न देम ऑफ। और उसी तरह का सेम स्विच जो है उसे यूज़ करते हैं ऑफ करने के लिए। वेरियस इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर मेड फॉर दिस पर्पस। वो सारी डिफरेंट काइंड्स के और टाइप्स के जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं वो इस तरह के काम को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। कि सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है। एक्टिविटी 7.4। इंसर्ट अ टॉर्च बल्ब इन अ होल्डर। आपने किसी होल्डर के अंदर जो है टॉर्च बल्ब को इंसर्ट करना है। कनेक्ट द बल्ब टू अ सेल और बैटरी थ्रू अ स्विच। आपने स्विच की मदद के साथ एक सेल को या बैटरी को कनेक्ट करना है बल्ब के साथ विद द हेल्प ऑफ मेटल वायर्स एज शोन इन द फिगर। मेटल वायर्स की मदद से आपने उसको अटैच करना है जैसे कि आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है। टर्न द स्विच ऑन एंड ऑब्जर्व द बल्ब। आपने स्विच को ऑन करना और फिर देखना कि बल्ब क्या करता है। डज इट स्टार्ट ग्लोइंग। क्या वो रोशन हो गया। नाउ टर्न द स्विच ऑफ। अब आपने स्विच को ऑफ करना एंड ऑब्जर्व द बल्ब और फिर से देखना कि बल्ब बंद हो गया। व्हाई डिड इट स्टॉप ग्लोइंग। अब ये बंद रोशन होना क्यों बंद हो गया। व्हेन द स्विच इज टर्नड ऑन देन व्हाई डज द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। जब हमने स्विच को ऑन किया तो इसने रोशनी देना क्यों शुरू की। बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग बिकॉज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। बल्ब ने रोशनी इसलिए देना शुरू की थी क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो था वो फ्लो कर रहा था। इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द सेल और बैटरी। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर रहा था, गुजर रहा था सेल के पास से और बैटरी के पास से। बल्ब स्विच एंड द वायर्स आर शोन इन फिगर। बल्ब स्विच और बैटरी जो है हमें फिगर में दिखाई जा रही है। दे टुगेदर प्रोवाइड अ पाथ फॉर सर्किट। ये सर्किट को एक पाथ एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है इससे फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ये एक रास्ता है करंट के गुजरने का। एज यू सी इन द फिगर दैट बैटरी बल्ब एंड स्विच आर कनेक्टेड थ्रू द वायर्स। जैसा कि आपने ऊपर देखा है तस्वीर के अंदर, बल्ब बैटरी और स्विच आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू वायर्स, तारों के जरिए इन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बल्ब बैटरी आर सेल एंड स्विच आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। बल्ब बैटरी सेल और स्विच जो हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स हैं और उसके छोटे से हिस्से हैं। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बैटरी जो है एक जरिया है इलेक्ट्रिक करंट का। द स्विच इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। स्विच जो है वो इस्तेमाल होता है करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि उसका फ्लो कहीं किसी जगह पे ज़्यादा ना हो और किसी जगह पे कम ना हो। एंड ग्लोइंग बल्ब इंडिकेट्स दैट सर्किट दैट करंट इज पासिंग थ्रू इट। और बल्ब जो है वो ये जाहिर कर रहा है कि करंट यहाँ से पास कर रहा है जिसकी वजह से वो ऑन और ऑफ हुआ। डू यू नो अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। बैटरी जो वो एक से ज़्यादा सेल पर कंसिस्ट कर सकती है। पॉइंट पोंडर इफ़ बैटरी कनेक्शन आर रिवर्स्ड इन अ क्लोज सर्किट विद द बल्ब ग्लो विल द बल्ब ग्लो। अगर हम कुछ जो है क्लोज सर्किट के अंदर बैटरी कनेक्शन को रिवर्स्ड कर दें, पीछे की तरफ कर दें, तो क्या वो बल्ब ग्लो करेगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या आप क्या राय रखते हैं। ओपन एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट कैसा होता है। यू हैव लर्न दैट ऑन टर्निंग द स्विच ऑन द सर्किट बिकम्स कम्प्लीटली आर क्लोज ड्यू टू विच द करंट स्टार्ट्स फॉलोइंग थ्रू इट। आपने पढ़ लिया जब सर्किट को ऑन करते हैं स्विच को या ऑफ करते हैं तो बल्ब जो है वो रोशनी देता है। ऑन टर्निंग द स्विच ऑफ द सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट आर ओपन सो द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इट इज़ कॉल्ड ओपन सर्किट। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वी हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इन केस ऑफ क्लोज सर्किट इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट्स कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसके कंपोनेंट से पास करता है। उसके कंपोनेंट्स तो बताएं कि कौन कौन से होते हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक बताया, सर्किट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बल्ब बैटरी सेल और स्विच। करंट पास थ्रू ऑल काइंड ऑफ मटीरियल्स इन केस ऑफ क्लोज सर्किट
क्या क्लोज सर्किट के अंदर करंट जो है वो तमाम किस्म के जो मटेरियल्स हैं उनमें से पास कर सकता है? टू नो दिस, इसको जानने के लिए लेट अस परफॉर्म अनदर एक्सपेरिमेंट, हम एक और तजुर्बा करते हैं। एक्टिविटी 7.5, कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल सच एज एलुमिनियम फॉइल, पेंसिल, आयरन वायर्स, कॉपर रेजर, ग्लास स्ट्रिप, प्लास्टिक रोलर ETC। हम इन तमाम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और आपने इनको कलेक्ट करना और इनको देखना है कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो वो पास करता है या नहीं करता। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं? विच मटेरियल विल अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, के कौन सा ऐसा मटेरियल है इन सब में से कि वो अपने अंदर से करंट को पास करने देगा? लेट अस कन्फर्म इट, आए इसे कन्फर्म करते हैं। मेक अ सर्किट बाई कनेक्टिंग अ बल्ब, आपने एक सर्किट बनाना है बल्ब को कनेक्ट करके बैटरी एंड स्विच थ्रू वायर्स, बैटरी स्विच और वायर्स की मदद से। टर्न द स्विच ऑन, आपने स्विच को ऑन करना, द बल्ब विल ग्लो, बल्ब जो वो रोशन हो जाएगा। विच इंडिकेट्स दैट द करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जो हमें यह जाहिर कर रहा है कि सर्किट के अंदर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। नाउ कनेक्ट कलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, अब आपने उन कलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को अटैच करना है बाय टर्न इन द सर्किट अकॉर्डिंग टू द फिगर, जैसे कि हम अब फिगर में देख सकते हैं इसी तरह से। ऑब्जर्व द बल्ब, आपने बल्ब को ऑब्जर्व करना है। विच मटेरियल अलाउ द बल्ब टू ग्लो एंड विच वंस डू नॉट, आपने देखने के कौन कौन से मटेरियल जो है वो बल्ब को रोशन कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो बल्ब को रोशन नहीं कर रहे। द मटेरियल विच डज नॉट लेट द बल्ब ग्लो कैन नॉट कंडक्ट करंट, ऐसे मटेरियल जिन्होंने बल्ब को ग्लो नहीं होने दिया उनके अंदर से जो करंट था वो पास नहीं हो सकता। दिस शोज दैट करंट कैन पास थ्रू सम मटेरियल, जिससे हमें ये बात साबित हो जाती है कि करंट जो है वो खास किस्म के कुछ किस्म के जो मटेरियल हैं उनमें से पास कर सकता है। एंड कैन नॉट पास थ्रू सम अदर मटेरियल, और दूसरे मटेरियल में से करंट जो है वो पास नहीं करता क्योंकि उन मटेरियल्स के अंदर मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ना हो उनके अंदर जो है करंट पास नहीं करता। द मटेरियल्स थ्रू विच द करंट कैन पास आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से करंट पास हो गया था उनको कंडक्टर्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द मटेरियल्स विच थ्रू विच द करंट कैन नॉट पास आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, और ऐसे मटेरियल्स जिनमें से करंट नहीं पास हुआ उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। वो इंसुलेटर्स इस वजह से क्योंकि उनके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं हैं। द आयरन आर कॉपर वायर्स एंड अदर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स आर कंडक्टर्स, मटेरियल्स लाइक वुड, रबर, प्लास्टिक ETC आर इंसुलेटर्स, ऐसे मटेरियल्स जो कॉपर है जो मेटल से बने होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, और वो मटेरियल्स जो लकड़ी, रबर, प्लास्टिक से बने होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। वी हैव ऑब्जर्व इन अवर होम्स, हमने अपने घरों में देखा है दैट दोज पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज मेड अप ऑफ इंसुलेटर्स विच आर नॉट टू बी टच विद अवर हैंड्स डन टू अवॉइड द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक के डेंजर से बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ मेटल, इलेक्ट्रिक आयरन जो थे वो मेटल से बनी थी बट इट्स निडल हैंडल इज़ ऑफ प्लास्टिक, और इसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है। द हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स एंड इलेक्ट्रिक कैटल आर ऑल्सो मेड ऑफ इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक जो हीटर्स होते हैं और जो उनके हैंडल्स होते हैं वो हीटर्स के, और इलेक्ट्रिक कैटल्स के जो हैंडल्स होते हैं वो इंसुलेटर से बने होते हैं, वैसे वो होती हैं कंडक्टर से बनी हुई। नाउ आर डेज द बॉडीज ऑफ द इंटायर इलेक्ट्रिक फैंस, वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ मेटल, अब वो जो उनके प्लास्टिक मशीन्स होती हैं वॉशिंग मशीन फ़ैन वगैरह के जो हैंडल्स वगैरह वो प्लास्टिक से बने होते हैं, मेटल से नहीं बने होते। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, यूजुअली द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर आल्सो द कंडक्टर्स ऑफ हीट, जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं वो हीट के भी कंडक्टर्स होते हैं। हाउएवर डायमंड इज इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो डायमंड है जो हीरा वो क्या इंसुलेटर का काम करता है, बट कंडक्टर फॉर हीट, लेकिन वो हीट के लिए क्या है कंडक्टर है। हैंस द जूलर्स कैन वेरीफाई द रियल और फेक डायमंड बाई टचिंग इट विद देयर लिप्स, जो जूलर्स होते हैं वो हीरे की जो पहचान है उन अपने होंठों के साथ उसको टच करके करते हैं क्योंकि उन्हें उसे उसकी हीट को फील करके। फ्यूज एंड इट्स यूज, इलेक्ट्रिसिटी इज कॉमनली यूज इन अवर होम्स टू ऑपरेट फैंस, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, आयरन एंड वॉशिंग मशीन ETC। जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारे घरों में आम इस्तेमाल होती है, जिससे हम अपने घरों के फैंस जो होते हैं, पंखे, टेलीविजन, फ्रिज और आयरन वगैरह को इस्तेमाल करते हैं।
फ्यूज़ इज़ यूज इन अ सर्किट फॉर द सेफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूज़ जो है ये इलेक्ट्रिक सर्किट को सेव करता है इलेक्ट्रिसिटी शॉक से। वट इज़ अ फ्यूज़, फ्यूज़ क्या होता है? लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड इट। एक एक्सपेरिमेंट से इसको समझते हैं कि ये क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक्टिविटी 7.6, मेक अ बैटरी ज्वाइनिंग द टू सेल्स। ऐसी बैटरी लें जो दोनों सिरों से जुड़ी हुई हो। कनेक्ट थिक कॉपर वायर, आपने उसको एक कॉपर वायर के साथ अटैच करना जो मोटी कॉपर वायर हो। टू ईच एंड ऑफ द बैटरी, बैटरी के दोनों एंड के साथ, विद हेल्प ऑफ सेलो टेप की हेल्प के साथ। टेक अ पीस ऑफ वेरी थिन मेटेलिक वायर, आपने बहुत ही पतली मेटेलिक वायर लेनी है। टच द एंड ऑफ द थिन वायर विद द थिक कॉपर वायर, आपने उसके थिन वायर जो है, पतली जो वायर है, उसको मोटी कॉपर वायर के साथ अटैच करना है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर के अंदर आपको दिखाया जा रहा है। डज द थिन वायर मेल्ट, क्या जो पतली तार थी, वायर थी, वो मेल्ट हो गई है, वो पिघल गई है एंड ब्रेक, और वो टूट गई है। वट इज़ इट्स रीज़न, इसकी वजह क्या है? वैन एक्सेसिव करंट पासिस थ्रू द पीस ऑफ थिन वायर, जब बहुत ज़्यादा मकदार में करंट जो है वो गुजरेगा किसी पतली सी वायर से, बिकम्स टू हॉट, वो बहुत गर्म हो जाएगी एंड मेल्ट इंस्टेंटली, वो उसी वक्त फौरी तौर पर वो पिघल कर जाएगी और टूट जाएगी। एज अ रिजल्ट द सर्किट ब्रेक्स एंड करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, इसके नतीजे में सर्किट टूट जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना बंद हो जाएगा, उसके अंदर जो करंट बह रहा था वो रुक जाएगा। सच पीस ऑफ थिन वायर इज कॉल्ड अ फ्यूज़, इस तरह के जो पतली तार होती है छोटी, उसे हम फ्यूज़ कहते हैं। कोटेशन, डू नॉट टच स्विच, आपने स्विच को टच नहीं करना, वायर एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, और इस तरह की जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं उनको, विद वेट हैंड्स आर बेयर फुट, नंगे पाँव और गीले हाथों के साथ आपने उनको टच नहीं करना। फ्यूज़ इज़ अ पीस ऑफ थिन वायर, फ्यूज़ एक पतली तार होती है, दैट इज़ यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इस्तेमाल होती है टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को उनसे हिफाजत करती है इलेक्ट्रिक सर्किट की। ए फ्यूज़ इज़ यूज इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, फ्यूज़ जो है ये इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर बिजली की जो इस्त्री होती है उसके अंदर इस्तेमाल होता है, वॉशिंग मशीन के अंदर इस्तेमाल होता है, हीटर ओवन एंड वाटर पम्प्स, हीटर ओवन और वाटर पम्प्स के अंदर, एंड मोटर एंड द अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, और दूसरे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज के अंदर। इफ़ ड्यू टू सम फॉल्ट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन एनी अप्लायंसेज, अगर किसी फॉल्ट की वजह से करंट जो है वो पास हो दूसरे अप्लायंसेज के अंदर, वन में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक ऑन टचिंग इट, तो आप उसको छूने से आपको इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। इफ़ अ फ्यूज़ इज़ यूज, अगर ये फ्यूज़ इस्तेमाल किया जाए, इट विल ब्लो इमीडिएटली एंड करंट विल स्टॉप फ्लोइंग, अगर फ्यूज़ का हम इस्तेमाल करेंगे तो वो उसे फौरी तौर पर रोक देगा उस करंट जो उसके अंदर से करंट बह रहा था। इन दिस वे द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज विल एंड द पर्सन टचिंग इट बोथ विल बी प्रोटेक्टेड, जिसकी वजह से वो शख्स और इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसको सेव किया जा सकता है, उसकी हिफाजत की जा सकती है। पॉइंट टू पोंडर, यू मस्ट हैव हेयर्ड बिल्डिंग सेट ऑन फायर बाय शॉर्ट सर्किट, आपने ये सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बिल्डिंग में आग लग गई है। हाउ कैन इट बी अवॉइडेड, इससे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, या आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, देयर इज़ अ लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर एक हद उन्होंने महदूद की होती है, एक लिमिट जो है वो लगाई होती है, जिससे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उस अप्लायंस के अंदर फ्लो कर सकता है। द फ्यूज़ इज़ इंसर्टेड अकॉर्डिंगली, इसी के अकॉर्डिंग हम जो है फ्यूज़ को भी उसके अंदर अटैच करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट एक्सीड्स, अगर उस सर्किट के अंदर करंट की जो मकदार वो बढ़ जाए, दिस लिमिट ड्यू टू सम फॉल्ट, किसी भी फॉल्ट की वजह से द फ्यूज़ ब्लोज इमीडिएटली, तो फ्यूज़ जो है वो फौरी तौर पर चलना शुरू हो जाता है। द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट स्टॉप्स, जिसकी वजह से उस सर्किट के अंदर जो करंट का बहाव है वो रुक जाता है। एंड द अप्लायंस इज़ नॉट डैमेज, और वो जो अप्लायंस है, रेफ्रिजरेटर ओवन वगैरह, जो वो जलने से बच जाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सर्किट ब्रेकर्स आर यूज्ड दीज डेज इंस्टेड ऑफ फ्यूज़, अब जो है फ्यूज़ की जगह पे सर्किट ब्रेकर जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। दे आल्सो वर्क लाइक अ फ्यूज़, वो भी फ्यूज़ की तरह ही काम करते हैं। द इंस्टेंट ट्रिपिंग ऑफ अ सर्किट ब्रेकर स्टॉप्स द करंट फ्लो, वो फौरी तौर पर जो करंट फ्लो कर रहा था उस सर्किट के अंदर उसको रोक देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़िर अमानिल्ला।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।